हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम पास्ट एडजस्टमेंट का एक टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैं जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट समझाऊंगा, प्लस आज पहली बार पास्ट एडजस्टमेंट पॉइंट डाला गया है कि पार्टनर्स ने प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया। तो सिंगल क्वेश्चन डिस्कस होगा, अगेन दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री एंड सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर मैं तुम्हारे को सिंगल एडजस्टमेंट समझा देता हूं, उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे इसको सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन नोट डाउन करो, पी एस एंड आर, पी एस एंड आर हैविंग फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड अमाउंट आते ही अंडरलाइन कर देनी है। रीजन, क्योंकि हम एंट्री फिर किससे बनाएंगे, करेंट अकाउंट। एग्जाम में अगर ये बात ध्यान नहीं रखी और एंट्री कैपिटल अकाउंट से बना दी, जीरो मार्क मिलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन 4 मार्क के आते हैं, तो एंट्री का करेक्ट होना जरूरी है। हाँ, स्टेप मार्किंग होती है, मिल जाएंगे एक या डेढ़, लेकिन हम अपने लखनऊ से बाकी मार्क्स गवा रहे हैं। तो फिक्स जोड़ आते ही करेंट अकाउंट नाम याद आ जाना चाहिए। तो फिक्स्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख, रुपीज 1,60,000 एंड रुपीज 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। इस वर्ड का मतलब पता होगा, प्रैक्टिकली जो कैपिटल पहले वो पी से कनेक्टेड है, सेकंड वाली एस से और थर्ड वाली आर से। दे शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1:1, उनका पीएसआर क्या है, 3:1:1। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग व्हिच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इस पैरा का मतलब है कि डीड में तो लिखा हुआ था इन सब के लिए, लेकिन उन्होंने इस बात को रिकॉर्ड नहीं करा। रिकॉर्ड करने का मतलब है इन चीजों को प्रोवाइड नहीं करा, तो ओमिशन। अगर कोई चीज करनी चाहिए लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, तो समझ क्या बोलेंगे, ओमिशन, इट्स अ एरर ऑफ ओमिशन। तो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग व्हिच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अपना गलती पे जानो, सबसे पहले आईओसी 5% पर एनम हमने प्रोवाइड नहीं करा, पहली गलती, आईओसी नहीं दिया। दूसरी, सैलरी टू पी रुपीज 1500 पर मंथ, तो इनटू 12 करने से 18,000, और एंड टू आर रुपीज 1000 पर मंथ, तो हमने ना तो पी को सैलरी प्रोवाइड करी ना आर को सैलरी प्रोवाइड करी, तो दूसरी गलती सैलरी। तीसरी गलती, जो नया पॉइंट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। हमारी डीड में लिखा हुआ था कि हमें जनरल रिजर्व में 10,000 का प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, लेकिन हमने ये भी नहीं करा। तो ये आज का एक नया पॉइंट है, ऐसा कोई पॉइंट आ जाता है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना। पहली गलती, आईओसी नहीं दिया। दूसरी गलती, सैलरी प्रोवाइड नहीं करी। तीसरा, प्रॉफिट में से 10,000 रुपीज जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था लेकिन नहीं करा। अब एक बात ये भी समझा दूं, अगर आपका ऐसा पॉइंट एग्जाम में मिल जाए, तो जब आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो एक कॉलम जनरल रिजर्व का और बनाना है। वैसे हम कॉलम कितने बनाते हैं, जितने पार्टनर्स होते हैं और एक और कॉलम फॉर्म का बनता है, तो यहाँ पार्टनर कितने, 3 है। तो इस बार सुन रहे, इस क्वेश्चन में कैसे फॉर्मेट बनेगा, पर्टिकुलर पी एस आर, फिर जनरल रिजर्व और फिर फॉर्म। अभी तक किसी क्वेश्चन में हमने रिजर्व का कॉलम नहीं बनाया, क्योंकि हमने किसी क्वेश्चन में बोला ही नहीं ना कि रिजर्व में ट्रांसफर करना था, लेकिन नहीं करा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि रिजर्व में ट्रांसफर करना था लेकिन हमने नहीं करा, नॉट रिकॉर्डेड मतलब प्रोवाइड नहीं करा। तो इस बार एक कॉलम एक्स्ट्रा और जोड़ा जाएगा जनरल रिजर्व का। तो फॉर्मेट पर्टिकुलर पी एस आर, फिर जनरल रिजर्व और आखिरी में फॉर्म का कॉलम। ओके, एक तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। नाउ लास्ट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 डिस्ट्रीब्यूटेड, पास्ट टेंस, बांट चुके हैं अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स में प्रॉफिट बढ़ चुका है, कितने रुपए का, वॉज रुपीज 1 लाख, 1 लाख का प्रॉफिट बांट दिया, मतलब इन सब चीजों का तो ट्रीटमेंट कराएंगे, और जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था पार्टनर्स में बांट दिया इन 2:1:1। सर पीएसआर तो 3:1:1 था, पर बांट किसने दिया, 2:1:1 में, 2:1:1 में, चौथी गलती। इस क्वेश्चन को बहुत तमीज से समझना, इसमें दो बातें समझनी, तो जनरल रिजर्व के बारे में समझना है, और एक प्रॉफिट को गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसका करेक्शन भी समझना है। तो पूरा क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा, 4 गलती, आईओसी प्रोवाइड नहीं करा, सैलरी प्रोवाइड नहीं करी, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करा, और प्रॉफिट को
आंसर सबसे पहले सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। स्टेप नंबर वन क्या होता है? टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट। टेबल कैसे बनाओगे? पर्टिकुलर पी एस आर जनरल रिजर्व और फॉर्म। हर एक कॉलम में दो सब कॉलम बनाने हैं, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट सबके अंदर। ओके, अब सबसे पहले पता है हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? जो हमने प्रॉफिट को गलत बांट दिया था, जो पहली बार हुआ है, अभी तक मैं तुम्हारे साथ चार या पांच क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, पांच एडजस्टमेंट के, किसी में भी प्रॉफिट को गलत पीएसआर में नहीं बांटा था। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें प्रॉफिट को गलत पीएसआर में बांटा गया है। सबसे पहला काम, पार्टनर से वो प्रॉफिट छीनूंगा जो गलत रेशियो में बांटा था। पुराने किसी क्वेश्चन में मैंने सिंगल एडजस्टमेंट वाले ट्रीटमेंट में कभी प्रॉफिट आपको छीनने को नहीं बोला। पिछले चार पांच क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो उसमें हमने किसी भी सिंगल एडजस्टमेंट में प्रॉफिट नहीं छीना। सेपरेट एडजस्टमेंट में पहले एंट्री प्रॉफिट छीनने की होती है, उसको साइड में रखो। अभी डिस्कशन में किसका कर रहे हैं? सिंगल एडजस्टमेंट। सिंगल एडजस्टमेंट में हमने अभी तक किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट छीना ही नहीं था। रीजन, प्रॉफिट गलत रेशियो बांटा नहीं था। लेकिन जब प्रॉफिट गलत रेशियो बांट दिया जाए तो सबसे पहले प्रॉफिट को छीनना है। कितना? जितना बांटा था। कौन से रेशियो में? जिस रेशियो में बांटा था, मतलब गलत रेशियो में ही वापस छीनना है। तो यहाँ पे गलत रेशियो क्या था? 2:1:1। ये मत बोलना कि भैया अपन 3:1:1 में छीनेंगे ना। अरे मेरे भाई, तूने प्रॉफिट पार्टनर्स में 3:1:1 में बांटा था या 2:1:1 में बांटा था? 2:1:1 में। तो वापस उस चीज को तो करेक्ट करूंगा, तो 2:1:1 में ही तो छीनूंगा। चलो मेरे को हेल्प करो फटाफट। जब मैंने प्रॉफिट पार्टनर्स को दिया था तो पार्टनर का बैलेंस बढ़ गया था। अगर मैं प्रॉफिट वापस पार्टनर से छीन लूंगा तो पार्टनर का बैलेंस कम होगा। पार्टनर का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अगर उनसे वापस प्रॉफिट छीनूंगा तो क्या हो जाएंगे? डेबिट। ओके, पहला पॉइंट पर्टिकुलर में प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। ब्रैकेट में रेशियो क्या लिखा मैंने? 2:1:1 रॉन्ग रेशियो। 1 लाख को अगर 2:1:1 में लोगे तो 50,000 25,000 25,000। रिजर्व में कुछ नहीं होगा भैया, ये प्रॉफिट किसमें बटा था? पार्टनर्स में, तो उन्हीं से वापस छीनूंगा। तो P के डेबिट में 50,000, S के डेबिट में 25,000, R के डेबिट में 25,000। जड़ेजा में डैश और फर्म के अंदर क्रेडिट 1 लाख। ये प्रॉफिट को छीना गया क्योंकि गलत रेशियो में बांटा गया था। वापस पार्टनर से छीना है तो पार्टनर का बैलेंस कम होगा, इसलिए पार्टनर डेबिट होगा। नाउ आईओसी पार्टनर को दूंगा, तो आईओसी अगर पार्टनर को दूंगा तो पार्टनर का बैलेंस बढ़ेगा, तो पार्टनर क्या होंगे? क्रेडिट। तो 5% है, तो 2 लाख का 5%, 160 का 5% और 120 का 5%। अगेन इस बार भी जनरल में डैश आ जाएगा। चलो पी में जो पी में आईओसी 10,000 क्रेडिट में, एस का 8,000 क्रेडिट, आर का 6,000 क्रेडिट, तीनों की टोटल 18+6 24,000। फॉर्म के अंदर डेबिट 24,000। जनरल रिजर्व में डैश, ये मत बोलना सर रिजर्व को आईओसी देंगे, आईओसी पार्टनर्स को देते हैं। जब रिजर्व की बारी आएगी तो उसको बढ़ देंगे, वरना इसमें डैश करते रहो। अगली गलती सैलरी की, पी को सैलरी महीने की 1500 तो साल की कितनी? 18,000। आर को महीने की 1000 तो साल की कितनी? 12,000। सैलरी पार्टनर को दूंगा तो पार्टनर का बैलेंस बढ़ेगा, पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट होता है तो बढ़ने पे और क्रेडिट। तो सैलरी की वजह से पी के अंदर क्रेडिट कॉलम में 18,000, एस में डैश, एस की कोई सैलरी नहीं है, और आर में क्रेडिट 12,000, जनरल में डैश 12+18 30,000 फॉर्म में डेबिट। ओके, अब बात आएगी जनरल रिजर्व की, समझना। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है। जब भी रिजर्व क्रिएट करा जाता है तो रिजर्व का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो इस बार रिजर्व तुम्हें बनाना है तो रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर मैं रिजर्व में और पैसे डालूंगा तो और क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने रुपए डाल रहे हैं रिजर्व में? 10,000। तो इस बार पार्टनर्स में डैश हो जाएगा, नाम आ जाएगा जनरल रिजर्व, पार्टनर्स में डैश, रिजर्व के क्रेडिट कॉलम में 10,000 क्योंकि रिजर्व बनाना है, और फर्म के डेबिट में 10,000। इन सब का हमेशा ऑपोजिट इफेक्ट इसका आता है। जब रिजर्व क्रिएट करोगे तो पार्टनर्स में डैश, बस रिजर्व के क्रेडिट कॉलम में 10,000 और फर्म के क्रेडिट कॉलम में 10,000। सारी गलती सुधार दी। आखिरी काम क्या बचता है? फर्म के डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालो। इधर आ रहा है 1 लाख और इधर टोटल आ रही है 64,000। तो डेबिट में 64, क्रेडिट में 1 लाख, तो डेबिट में कम कितना पड़ रहा है? 36,000। अगर फर्म के डेबिट में 36 आया है तो पार्टनर्स के क्रेडिट
वाले कॉलम में अमाउंट लिखी जाएगी उनके एक्चुअल पीएसआर रेशियो में। ये क्यों बोलना पड़ा, यहाँ पे दो दो पीएसआर है, सही वाला कौन सा है 311। तो 211 में बांट देना बैलेंस को, बैलेंस किसमें बटेगा 311 जो इनका एक्चुअल पीएसआर है, वो तो बस छीनने में काम आया था क्योंकि प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया था। जो एंड का बैलेंस है वो उनके ओरिजिनल पीएसआर में बटेगा जो 311 है। तो 36,000 मल्टीप्लाई 3/5, 1/5, 1/5। पी के क्रेडिट में 21,600, एस के क्रेडिट में 7,200, आर के क्रेडिट में 7,200, रिजर्व में डैश कि बैलेंस आप किसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में, हो गया। नाउ लास्ट पी के डेबिट की टोटल आ गई 50,000 और क्रेडिट कॉलम की टोटल आ गई 49,600। तो हमने कल एंट्री बनाना वापस सीखा था, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का डिफरेंस कितना रहा है 400, और ये जो डिफरेंस है वो कौन से कॉलम का ज्यादा है, डेबिट कॉलम का। तो 400 रुपए का बैलेंस क्या कहलाएगा, डेबिट बैलेंस कहलाएगा। एस के डेबिट में 25,000, क्रेडिट में 15,200, तो किसका बैलेंस ज्यादा रहा है, डेबिट कॉलम का कितना 9,800 डेबिट। आर के डेबिट का 25,000 और क्रेडिट का 25,200, तो कौन ज्यादा रहा है, क्रेडिट ज्यादा रहा है, कितने रुपए से 200 क्रेडिट। एंड द लास्ट वन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के डेबिट में तो 0 और क्रेडिट में 10,000, तो कौन सा बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट कितने से 10,000। तो मैच होता है, बनाए एंट्री, एंट्री नोट कर लो फटाफट, दो जने डेबिट हो रहे हैं पी और एस, और आर और जनरल रिजर्व क्या हो रहा है क्रेडिट। पीज करेंट अकाउंट याद रखना, पीज करेंट अकाउंट है 400, S करंट अकाउंट डेबिट 9,800 टू R करंट अकाउंट 200 और टू जनरल रिजर्व 10,000। तो ये तो था आपका क्वेश्चन का सिंगल एडजस्टमेंट, इसे नोट डाउन कर लो, फिर इसी क्वेश्चन को हम किससे करेंगे सेपरेट एडजस्टमेंट से। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री वाला मेथड। सेपरेट एडजस्टमेंट में हमेशा पहले एंट्री किस चीज की होती है, प्रॉफिट छीनने की, ठीक है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉफिट गलत रेशियो में बांटा नहीं बांटा था, क्योंकि इसमें तो हमेशा पहली एंट्री प्रॉफिट छीनने की होगी। लेकिन प्रॉफिट छीनने की एंट्री होगी नहीं कौन से रेशियो से, 211 से, कि हमने प्रॉफिट बांटा कौन से रेशियो में था 211 में, तो छीनेंगे कौन से रेशियो में 211 में। अभी तक के जो पुराने क्वेश्चन थे वह हम सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री में पहली एंट्री प्रॉफिट छीनने करते थे, लेकिन कौन से रेशियो में, एक्चुअल पीएसआर रेशियो में, कि वहां पे प्रॉफिट गलत रेशियो में बांटा नहीं था। लेकिन यहाँ पे जब गलत रेशियो बांटा है तो वापस हम छीनेंगे इसमें गलत रेशियो में। पीस करंट अकाउंट डेबिट 50,000, एस करंट अकाउंट डेबिट 25,000, आर करंट अकाउंट डेबिट 25,000, टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 1 में। प्रॉफिट छीन लिया, ध्यान रखना 211 में ना कि 311 में, क्योंकि जिस रेशियो में बांटा था उसी रेशियो में छीनेंगे। अब आईओसी दे दे फटाफट, आईओसी अकाउंट डेबिट टू पीस करंट टू एस करंट टू आर करंट, आईओसी में कितना 24,000, पी में 10,000, एस में 8,000, आर में 6,000। नाउ प्रोवाइड द सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पीस करंट अकाउंट टू आर करंट अकाउंट 30,000 सैलरी में, 18,000 पी में, 12,000 आर में, एस का मेथड नहीं है। अब आप रिजर्व की एंट्री देखो एक बार, हमने सर फर्स्ट चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट सीखे थे तो मैंने आपको रिजर्व की एंट्री समझाई थी, मैंने कहा था रिजर्व का नेचर होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो रिजर्व किसके थ्रू बनाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू। रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व। लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट में हम जिस अकाउंट का नाम यूज करते हो, अकाउंट का नाम क्या है, पीएनएल एडजस्टमेंट। तो मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में एंट्री लिखेंगे, हम एंट्री बनाएंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 10,000, हो गया। अब सैलरी को और आईओसी को किससे क्लोज करना है, पीएनएल एडजस्टमेंट से। दोनों का बैलेंस डेबिट हो रखा है, क्लोज करूंगा तो क्रेडिट। तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आईओसी टू सैलरी 24, 30 एंड 54, हो गया। अब लास्ट एंट्री क्या करते हैं कि भैया नेट बैलेंस कितना बचा पीएनएल एडजस्टमेंट का, थोड़ा चेक करो। पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ हुआ है 1,00,000 से, यहाँ कुछ भी नहीं है, और यहाँ डेबिट हुआ 54 से और 10,000 से। तो डेबिट वाले को माइनस कर दो, 1,00,000 क्रेडिट, 10,000 डेबिट, 54 डेबिट, तो नेट क्रेडिट कितना बचा 36,000। तो पीनल एडजस्टमेंट का नेट क्रेडिट बैलेंस 36,000 अगर मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा
तो वो क्रेडिट से क्या हो जाएगा डेबिट। तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी करेंट टू एस करेंट टू आर करेंट 36,000 कौन से रेशो में 311 एक्चुअल पीएसआर रेशो छीना तब तो उस रेशो में जिस रेशो में बांटा था लेकिन लास्ट में जब बांटेंगे तो सही पीएसआर में बांटेंगे 21,600 7,200 7,200। ये क्वेश्चन हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। इस क्वेश्चन में दो बातें इंपॉर्टेंट थी, एक तो जनरल रिजर्व और एक प्रॉफिट को गलत पीएसआर में बांटा था, इसलिए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में आज हमने प्रॉफिट को भी छीना था। सेपरेट तो हमेशा छीनते हैं पर सिंगल में पहली बार छीना था कौन से रेशो में जिस रेशो में बांट दिया था और लास्ट में जो बैलेंस बचता है उसको हमेशा एक्चुअल पीएसआर में बांटते हैं। ओके तो क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे वापस रिवाइज करना और अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ में पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ और टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जहां पे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना सिखाऊंगा। तो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जहां पे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे कैसे आते हैं उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके ऑन द बेस्ट।